हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में, सीआरटी। तो कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, उसके पहले आप लोग को बता दूं कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। जनरली हम लोग सीआरटी का, कैथोड रे ट्यूब का यूज जो है वो सीआरओ में करते हैं, यानी कि सीआरटी जो होता है वो हार्ट ऑफ सीआरओ होता है, मतलब मेन ब्लॉक या मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीआरओ जो होता है वो सीआरटी होता है। सीआरओ क्या काम करता है, सीआरओ क्या होता है, सीआरओ को हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। तो व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्यों यूज करते हैं हम सबसे पहले, तो क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, मल्टीमीटर के थ्रू हम वोल्टेज रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल को मेजर करने के लिए, यानी कि सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए, जहां पे हम सिग्नल दिख सके कि किस टाइप के सिग्नल है, उसके लिए हम लोग सीआरओ यूज करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो सीआरओ जो होता है वो सिग्नल को, कोई भी टाइप के सिग्नल हो, चाहे एसी सिग्नल हो या डीसी सिग्नल हो, डीसी सिग्नल की तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन फिर भी जिस टाइप की भी सिग्नल होगी, एनालॉग सिग्नल जनरली और पल्स सिग्नल, तो जितने सारे टाइप के सिग्नल्स होगी उसको देखने के लिए हम लोग सीआरओ यूज करते हैं, यानी कि सीआरओ की स्क्रीन पे जो सिग्नल होती है वो डिस्प्ले होती है, और उसी सीआरओ का जो है वो मेन पार्ट होता है, यानी कि मेन हिस्सा होता है वो होता है सीआरओ। तो सीआरटी जैसे सीआरओ, ये सीआरओ है, तो सीआरओ का जो मेन हिस्सा है, जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सीआरटी है, ये सीआरटी है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग सीआरओ को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सीआरटी की, सबसे पहले तो सीआरटी के जो मेन ब्लॉक्स होते हैं, जो रेड जो मैंने ये कर रखा है, वो इसके सीआरटी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स या मेन पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स। सो लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। सो आई विल स्टार्ट विथ दिस वन। ये ग्लास बॉडी का बना हुआ होता है, ग्लास बॉडी पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ट्यूब बेस हो गया, इसका जो इसका बेस है वो उसको ट्यूब बेस या बेस बोलते हैं। तीसरा पार्ट हम लोग आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गन का, ये इलेक्ट्रॉन गन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है, बीम या बीम डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है। एंड देन एट लास्ट फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जो कि ये पोर्शन यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ यहाँ तक। तो चलिए हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि सीआरटी एक सीआरओ का मेन पार्ट, यानी कि हार्ट ऑफ सीआरओ होता है, और इसका मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पे, सीआरटी की स्क्रीन पे इमिट कराना, यानी कि ये सीआरटी जो सीआरटी होती है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक काफी तेजी से फोर्स के साथ जो है स्टेट बिना डिफ्लेक्ट हुए ये यहाँ पे स्ट्राइक कराती है, अगर हम कोई भी सिग्नल या कुछ भी इनपुट हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्लास बॉडी से। तो ग्लास बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये जो बना हुआ होता है वो ग्लास बॉडी का बना हुआ था, इसका जो बॉडी है, जो रोड रेड पार्ट से जो हमने दिखा रखा है, वो ग्लास की बनी हुई होती है, और ये एक वैक्यूम ट्यूब होता है, यानी कि इसके अंदर में कुछ भी हवा या कुछ भी नहीं होती, इसको वैक्यूम क्रिएट करके किया जाता है। ओके, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया ट्यूब बेस, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है ट्यूब बेस, यानी कि ये बेस है जो सीआरटी का बेस है, जिसके साथ हमें कनेक्शन होता है पिंस का। ये जो पिंस, यानी कि पावर सप्लाई या इसको एक्सटर्नली किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बेस बना रहता है। तो बेस में कुछ पिंस होते हैं और बेस के साथ पिन कनेक्ट होते हैं, और साथ में इसी बेस के साथ आपका हीटर, जिसको कि फिलामेंट भी बोलते हैं, वो कनेक्ट होता है, जो कि कैथोड के साथ अटैच होता है। तो ट्यूब बेस हो गया इतना पोर्शन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो फ्रॉम दिस पर ट्यूब बेस से लेके यहाँ तक का हिस्सा इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। तो देखते हैं वन बाय वन, इसमें क्या क्या होता है, हीटर होता है। अब अगर मैं इसके, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज नथिंग बट यूज टू इलेक्ट्रॉन्स को गन की तरह, यानी कि बहुत ही तेजी से बिल्कुल सीधे लाइन में स्ट्राइक कराता है स्क्रीन पे, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन गन पड़ा, क्योंकि गन का मत काम क्या होता है, बंदूक से जिस तरीके से गोली तेजी से निकलती है, उस तरीके से इस पूरे इलेक्ट्रॉन गन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी तेजी से बाहर निकलता है।
इसके मेन मेन हिस्से क्या है, हीटर है, हीटर यानी कि इसको फिलामेंट भी बोलते हैं, ये रेड वाला पोर्शन आप देख सकते हो ये। देन इसके बाद एक ये जो है उस कैथोड इसके अंदर में रहता है, कैथोड पता ही आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब हीटर हीटअप या फिलामेंट हीटर होता है उसकी वजह से ये कैथोड भी हीटअप होता है, और उसके तरह से हार्मोनिक इमिशन की वजह से, यानी कि इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, या बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। इसके बाद होता है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड नाम ही है, कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करता है ये, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड को कंट्रोल करना, यानी कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेगा वो कंट्रोल ग्रिड डिसाइड करेगा। कंट्रोल ग्रिड में हाई निगेटिव वोल्टेज देते हैं सो दैट निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड का रिपल्सन हो, और ये इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स इस होल एक रहता है उसके थ्रू जो है वो बाहर निकलता है। दूसरी बात एक और, कंट्रोल ग्रिड ब्राइटनेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको डिसाइड करें, यानी कि इसकी ब्राइटनेस को घटाने बढ़ाने का भी काम इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड के थ्रू किया जाता है। इसके बाद जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकलती है तो तीन एनोड होते हैं जनरली, इसको बोलते हैं प्री पहले वाले को प्री एक्सेलेटिंग, एक्सेलेट होने से पहले, इसके बाद लास्ट वाले को एक्सेलेटिंग, एक्सेलेट करने के लिए, और दूसरे बीच वाले को हम लोग बोलते हैं फोकसिंग एनोड। ये एनोड का मतलब भी होता है पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज पे प्रोवाइड किया रहता है, और इस तरीके से एक होल बना रहता है ताकि इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के थ्रू पास कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद ये पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव जो वोल्टेज या पॉजिटिव एनोड है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि काफी हाई वोल्टेज होता है वो काफी तेजी से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और बीच वाला जो होता है वो थोड़ा कम वोल्टेज पे होता है, और बाकी दोनों जो है हाई वोल्टेज पे होते हैं। तो बीच वाला जो है इसको बिल्कुल बीच में फोकस करने का काम करता है बीचों बीच, और इस तरीके से इससे हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से इस पोर्शन से बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो काफी तेजी के साथ, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन नाम देते हैं। इसके बाद अब पोर्शन यहाँ से आप तक का पोर्शन क्या कहलाया, डिफ्लेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन गन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करती है दो प्लेट के साथ, एक प्लेट जो रखा हुआ है देखो हॉरिजॉन्टली, लेकिन इसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऊपर नीचे ऐसे, है ना, इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इस ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इसीलिए इस प्लेट को हम लोग वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट कहते हैं। पहला प्लेट जो है, पहला दो पेयर ऑफ प्लेट होती है उसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं, एक के नीचे एक, के नीचे एक ऊपर की तरफ, और इस तरीके से इसका इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर पास करेगी और इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, और दो और प्लेट होती है जिसको कि वर्टिकली रखे रहते हैं वर्टिकली, और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पास करेगी उनका डिफ्लेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होने की वजह से इस प्लेट का नाम पड़ा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी कि प्लेट तो वर्टिकल है लेकिन डिफ्लेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। दोनों प्लेट का एक जो दोनों पेयर ऑफ प्लेट में से एक एक प्लेट जो होते हैं वो ग्राउंडेड होते हैं, मतलब एक एक प्लेट को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और जो दूसरा प्लेट हुआ वो पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होता है ना, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई के साथ दिया रहता है। इनपुट जो हम देते हैं जनरली, जो जैसे मान लो 5 वोल्ट की एसी सप्लाई या 6 वोल्ट की एसी सप्लाई या जो भी आप जब देते हो, वो इनपुट जो होता है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे दिया जाता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये जो है यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी, प्लस 5 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई दिया, 5 वोल्ट, तो प्लस 5 वोल्ट की वजह से ये जो है पॉजिटिव हो गया, प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट, और ये ग्राउंड यानी कि जीरो है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगी तो ये प्लस 5 वोल्ट की तरफ, प्लस पोटेंशियल की होने की वजह से ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी, इस तरीके से यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन होगा, है ना, और ये डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये डिफ्लेक्टेड बीम जो है अब जो बीचों बीच स्ट्राइक होनी चाहिए थी वो डिफ्लेक्शन होने की वजह से इस तरीके से जाके यहाँ पे स्ट्राइक होगी ये। तो मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट की का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे यानी कि इस मेन ओरिजिन से जो हमारा हिस्सा है उससे ऊपर की तरफ 5 वोल्ट ऊपर की तरफ एक डॉट स्पॉट बन के आता है। हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक डॉट बन के डीसी सप्लाई के लिए आ रही है।
अगर मैं इसी को माइनस फाइव कर दूं, अगर मैं यहाँ पे प्लस पांच की जगह पे माइनस पांच लगा दूं, माइनस फाइव, तो क्या होगा, अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऊपर जाने की बजाय अब डिफ्लेक्शन जो होगा वो नीचे, क्योंकि ये माइनस हो गया इसलिए रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर नीचे की तरह डिफ्लेक्ट होना शुरू करेंगे इधर, और इधर डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो स्क्रीन पे नीचे की तरह डिफ्लेक्ट होकर शुरू होगा, और ये माइनस पांच के लिए डिफ्लेक्शन होगा और एक स्पॉट के तौर पे दिखाई देगा। क्लियर है? अगर अगर मैं अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम क्या है, अगर मैंने कोई भी ये नहीं लगाया है, मान लो कि हमने कोई डीसी सप्लाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे को मैं सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, मान लेते हैं कि पॉजिटिव प्लस टू दे दिया यहाँ पे, टू वोल्ट दे सप्लाई है ना, तो जब मैं सप्लाई का मतलब हो गया प्लस टू वोल्ट का डीसी मैं इसको दे रहा हूँ बायास या उसको वैरी करने के लिए, इनपुट तो हम यहीं पर देते हैं ना, इसको मैंने कंट्रोल के लिए यहाँ पे प्लस टू वोल्ट अगर देता हूँ तो क्या होगा कि ये बीचों बीच इस पॉइंट पे ये वर्टिकली इसका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा, एक स्वीप सिग्नल यानी कि एक सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करेगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से आगे पीछे जो है वो काफी तेजी के साथ वैरी करेगा यानी डिफ्लेक्ट होगा, और इस वजह से प्लस टू, क्योंकि ये प्लस टू है दो आपने डाल रखा है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे ये से लेके यहाँ तक जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। अगर मान लो कि मैंने इस पे भी प्लस पांच दे दिया और इस पे प्लस टू है इस पे, तो क्या होगा, यानी कि पांच के आसपास, यहाँ के पांच के आसपास ये दो वोल्ट तक ये इस तरीके से दो कह सकते हो रो, या यहाँ से यहाँ तक जो है दो स्मॉल ब्लॉक जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इसको मैं बढ़ाऊंगा तो इसका डिफ्लेक्शन जो है, यानी कि इसका जो ये है वो काफी तेजी से जो है वो आगे पीछे की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम होता है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस को डिसाइड करता है, और ये जो हम इनपुट देते हैं वो किस पे देते हैं, इस पे देते हैं। अब अगर मान लो कि इस पे डीसी वोल्ट की जगह पे मैंने आपको दे दिया एसी सप्लाई, है ना, तो एसी सप्लाई देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा एसी जो सप्लाई है इस प्लेट पे जाएगा इस तरीके से, है ना, तो इसकी वजह से अगर मैंने इस पे कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि इस प्लेट पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या होगा, ये जो वर्टिकल जो सिग्नल है वो यहाँ पे आने के बाद, और इसका पांच वोल्ट की एसी सिग्नल है यानी कि प्लस पांच से माइनस पांच वैरी कर रही है, तो ये सिग्नल यहाँ पे आने के बाद सिर्फ प्लस पांच से माइनस पांच के बीच में एक इस तरीके से लाइन बन के आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है और इस वजह से हमारा साइन वेव जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने मान लो कि ये दो प्लस टू का या प्लस फाइव का हमने क्या दे दिया, डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन यहाँ पे लगा दिया, मतलब इसको हमने टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू कनेक्ट रहता है ये, तब क्या होगा, ये जो सिग्नल होगी अब इसका इसमें हॉरिजॉन्टल स्वीप भी स्टार्ट होगा और ये प्लस पांच वोल्ट तक, तो क्या होगा, ये इसकी वजह से ट्रिगरिंग होगी और ये साइन वेव प्लस पांच से माइनस पांच के बीच में ये यहाँ पांच तक ऐसे जनरेट होगा, यानी कि टाइम बेस्ड जनरेटर की वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि ये एक्स एक्सिस डिसाइड होता है और फिर हमें हमारी जो वेव है वो दिखाई देती है। क्लियर है? इसलिए इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करना, और वर्टिकल प्लेट का काम क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन करना, दोनों प्लेट मिलके हमारा वेव फॉर्म को जनरेट करती है। डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम समझ में आ गया। अब लास्ट में बचा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी होती है, जैसे जिंक ऑक्साइड टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराता है तो जिस पॉइंट पे ये टकराया उस पे ये ब्राइट स्पॉट बन जाता है, अगर इस पॉइंट पे टकराएगा तो इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट बन जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ब्राइट और ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ग्रिड का यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो ब्लॉक हो गया ऑफ सीआरटी, और सीआरटी का कैसे काम करता है सीआरटी हमने इस के थ्रू देखा। इसको आपको जो लिखना है वो हर एक ब्लॉक को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो जैसे एक लाइन में आप लिखोगे इसके बारे में कि सीआरटी इज नथिंग बट ए हार्ट ऑफ सीआरओ। ये क्या करता है, जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम
which is deflected in horizontal and vertical direction by deflecting system, and it gives us the visual display of an input signal waveforms on the screen, CRT screen पे ये करता है। बस ये दो लाइन का हमने डिफिनेशन CRT का लिख दिया। इसके बाद द बेसिक पार्ट्स ऑफ CRTs आर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, ग्लास ट्यूब एंड एनवेलप होता है एंड ट्यूब बेस होता है। सबके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक एक दो दो लाइन में हम देख लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली हीटेड कैथोड, यानी कि ये हीटेड हीटर और कैथोड रहता है, कंट्रोल ग्रिड होता है, प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड होता है, फोकसिंग एनोड होता है एंड एक्सेलेरेटिंग एनोड होता है। तो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन असेंबली टू प्रोवाइड द शार्पली फोकस्ड, एग्जाम पे बहुत अच्छा वर्ड है, शार्पली फोकस्ड इलेक्ट्रॉन्स बीम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्क्रीन, यानी कि काफी अच्छे से फोकस जो बीम होती है वो स्क्रीन की तरफ डायरेक्ट करने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन गन का होता है। हीटर एंड कंट्रोल कैथोड करीब करीब एक ही हिस्सा होता है, लेकिन हीटर एक फिलामेंट का बना हुआ होता है जो कि हीटअप करने का काम करता है, और ये हीटेड जो कैथोड होता है की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जिसको थर्मोनिक इमिशन बोलते हैं। अब इसके बाद कंट्रोल ग्रिड आता है। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है, कंट्रोल ग्रिड एक निगेटिव वोल्टेज सप्लाई करते हैं और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द कैथोड, और इसी की वजह से ब्राइटनेस जो हमारी बीम होती है उसकी ब्राइटनेस डिसाइड होती है। प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड जो होता है वो एनोड एक्सेलेरेट्स द डिलीवरिंग बीम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई पॉजिटिव वोल्टेज, वो काफी हाई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसको एक्सेलेरेट करने का काम कराता है। ये भी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये लेस देन प्री एक्सेलेरेटिंग एनोड से देते हैं इसको, एंड ये फॉर कन्वर्टिंग एंड डाइवर्जिंग द एक्सेलेरेटेड बीम, इसको जो है बीच में फोकस करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। एंड एक्सेलेरेटिंग एनोड में फिर हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं टू एक्सेलेरेट द इलेक्ट्रॉन्स बीम एंड विल बिकम मोर शार्प एंड फोकस, तो ये काफी हाई वोल्टेज इसमें भी दिया रहता है सो दैट इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो काफी शार्पली फोकस्ड होकर आगे की तरफ निकले। तो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है जो क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन गन बनाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डिफ्लेक्शन सिस्टम में दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और दूसरा क्या होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज करते हैं। तो डिफ्लेक्शन प्लेट में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स बीम इन बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वन ऑफ द प्लेट इन दोनों में से एक प्लेट जो होता है वो ग्राउंड पे सेट होता है और दूसरा प्लेट जो होता है वो एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड होता है। जनरली पॉजिटिव जो भी हम सप्लाई देते हैं वो वर्टिकल प्लेट्स को देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शंस करने के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस में वेरिएशन लेके आने के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट का यूज किया जाता है। सो एंड अब लास्ट जो टॉप पॉइंट बचा वो बचा फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड ग्लास बॉडी ट्यूब बेस। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, ये स्क्रीन इनसाइड द फेस ऑफ ट्यूब होता है एंड इट इज कोटेड विद द फ्लोरोसेंट मटेरियल, और जनरली एज ए जिंक ऑक्साइड या जिंक ऑर्थो सिलिकेट का यूज करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाने के लिए। व्हेन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन ए स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगा वहां पे ग्लो करने लगेगा जिस पॉइंट पे जितना दूर में, तो ये सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जहां इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेगा वहां पे ये स्क्रीन ग्लो करने लगेगी। ग्लास बॉडी ये पूरा असेंबली जो होता है वो सीआरटी की जो वो किससे बना होता है, हाईली इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करके बनाया जाता है ग्लास ट्यूब से। इनर वॉल ऑफ द सीआरटी यानी कि नेक से लेके, जो थोड़ा सा मैं दिखा दूं यहाँ पे व्हाट इज द नेक से लेके का मतलब क्या हुआ, दिस पोर्शन, यानी कि यहां से यहां तक पोर्शन में ये जो पोर्शन है ये लेके यहां से लेके यहां तक का पोर्शन और ये यहां से लेके यहां तक का पोर्शन में एक कोटिंग की जाती है इस तरीके से। इस कोटिंग को हम लोग एक्वा डार्क बोलते हैं। एक्वा डार्क काम क्या होता है, इस एक्वा डार्क का एक्वा डार्क का काम जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो बीम है वो उसका डिफ्लेक्शन या उसमें जो है स्ट्राइकिंग जो है वो कहीं और पे ना हो।
तो इसी लाइन को, इसी को हमने इस तरह लिख सकता है, द इनर वॉल ऑफ सीआरटी जो नेक एंड स्किन इज कोटेड विद द कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, नोन एज एक्वाडर्ट. एक्वाडर्ट कोटिंग प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द स्क्रीन ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द स्क्रीन. इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन में स्ट्राइक करता है तो निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन वहां पे ना हो पाए, इस वजह से एक्वाडार्क का यूज किया जाता है. ये क्या करता है, ये एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है किस पे, स्क्रीन के ऊपर. एंड फाइनली ट्यूब, ट्यूब बेस. ट्यूब बेस इज द एंड ऑफ द सीआरटी, यानी कि इनिशियल एंड कह सकते हो. एंड इन विच पिन्स ऑफ एक्सटर्नल कनेक्शन आर कनेक्टेड, एंड इसके थ्रू ही हमारा, इसी पे हमारा क्या कनेक्ट रहता है, हीटर कनेक्ट होता है, जो हीटेड कैथोड बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन हीट होके बाहर निकलता है. दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ सीआरटी. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है समझने में या कोई दिक्कत आती है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू.